हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। जब जब मैं बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करती हूँ अपने मेंबर्स के, रिसेंटली मैंने कोमल का ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट किया था, उससे पहले मैंने दीपांजलि का ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट किया था, सो बहुत सारे DMs, कमेंट्स एंड बहुत सारे मैसेजेस रीड करे मैंने। एंड वहाँ पे एक चीज़ सबके लाइक बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई इंस्टाग्राम पे कि किस तरीके से ये लोग सस्टेन कर जाते हैं अपने आप को वेट लॉस जर्नी में, क्या इनका वेट स्टक नहीं होता, क्या ये लोग वेट लॉस जर्नी से बोर नहीं होते, क्या इनकी जो वेट लॉस जर्नी है उसमें रुकावटें नहीं आते। कोई बंदा 30 किलो लूज़ करता है 4 महीने में, 6 महीने में, कोई बंदा 40-50 किलो लूज़ करता है 6 महीने में, 7 महीने में। अब मैं आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ऐसे पोस्ट करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग होंगे। आप देख सकोगे कि इतना से लेके इतनी सी कमर बन जाती है एंड पूरा स्किन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपका स्किन टोन चेंज हो जाता है। सो किस तरीके से ये लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को लंबा और लेंदी चला लेते हैं, लाइक 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। नाउ पॉइंट इज कि जब जब हमारा वेट स्टक होता है तब तब हम लोगों का डीमोटिवेशन स्टार्ट होता है। हम लोग अपने आप को पुश करते हैं कि चलो कर लो, बट एक स्टेज ऐसी आती है, ये एक ह्यूमन नेचर है हम सबका, कि 4 दिन 5 दिन हमारा वेट लॉस नहीं होगा तो हम कहेंगे चलो छोड़ दो यार, वेट लॉस वैसे भी नहीं हो रहा, लेट्स ईट, लेट्स हैव समथिंग, कोई बात नहीं, ये खा लो वो खा लो। हम अपनी बॉडी पे और अपने आप पे थोड़ा बहुत तरस खाना चालू कर देते हैं। जब भी आपका वेट स्टक है बहुत लंबे टाइम से, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन, आप 1 से 2 दिन का जीरो सॉल्ट का डाइट करें, इट मीन्स आप अपने आप को डिटॉक्स दें एंड आपका जो बॉडी है वो वेट शेड करेगा ही करेगा, बॉडी को एक झटका मिलेगा। बट पॉइंट इज कि डिटॉक्स डाइट या जीरो सॉल्ट डाइट कौन कौन से बंदे कर सकते हैं, कौन कौन से बंदे लायक है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किन किन लोगों का है जो जीरो सॉल्ट करेंगे। ए पार्ट होता है जीरो सॉल्ट और डिटॉक्स डाइट करने का कि आप पूरे दिन रेस्ट मोड पे जाओगे, आप अपने आप को रेस्ट कराओगे, हो सके तो आप मालिश लोगे। नेक्स्ट इज आप अपनी नींद पूरी करोगे। थर्ड वन इज आप स्ट्रेस कम लोगे उस दिन। फोर्थ वन इज आप स्क्रीन टाइम कम रखोगे, विच इज़ लाइक फ़ोन पे और लैपटॉप्स पे अपने आप को आप कम रखोगे, किसी ऐसे से बात करोगे जो कि आपके माइंड को समझेगा, आपकी दिक्कतों को समझेगा, आप अपने आप को बस्ट आउट करके आओगे पूरा अच्छे से। ये होता है हमारा पूरे दिन का रेस्ट और डिटॉक्स, वो होता है मेंटल पीस। नाउ अब हम बात करते हैं डाइट की। जिन जिन लोगों को BP एंड शुगर का प्रॉब्लम है वो डिटॉक्स और जीरो सॉल्ट का डाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे आपका BP हाई है चाहे आपका BP लो है, आप लोग जीरो सॉल्ट का डाइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि डिटॉक्स डाइट कैसे करें, क्योंकि जब हम डिटॉक्स पे जाएंगे जीरो सॉल्ट पे जाएंगे ऑफकोर्स हमें वीकनेस भी आएगी, हमको लो कैलोरी का भी डाइट पकड़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ हम बोर भी होंगे। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ 3 ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ डिटॉक्स की जो कि आपको बहुत हेल्दी रहेगी, बहुत यमी रहेगी, कि आपको फीलिंग भी नहीं आएगी कि आप जीरो सॉल्ट पे हो और आपका जो पूरा दिन का जीरो सॉल्ट का डाइट है वो यूं निकल जाएगा। इसमें फर्स्ट रेसिपी में शेयर करूंगी वेजिटेबल्स की रोटी, बहुत सारी सब्जियों की रोटी, बट उसमें मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो इस तरीके से भी डिटॉक्स करते हैं कि मॉर्निंग में सॉल्ट ले लेते हैं और पूरे दिन बिल्कुल सॉल्ट फ्री रखते हैं अपने आप को। अगर आप उस तरीके का करना चाहते हैं देन आपके लिए वेजिटेबल रोटीज, अगर आप पूरे दिन जीरो सॉल्ट करना चाहते हैं यहाँ पे मैं बहुत यमी रेसिपीज लेके आई हूँ, हमारी बेक्ड ओट्स, सेकेंड वन इज मेरी इडली, दलिया और फ्रूट्स की इडली बहुत ही यम्मी है, बहुत बहुत यम्मी है, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सो ये रेसिपीज बनानी कैसे हैं, चलते हैं किचन में। सबसे पहले हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल परांठा। यहाँ पे मेरे पास चॉपर है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले जुकीनी, घर में जो भी आपके पास सब्जियाँ पड़ी हों। नेक्स्ट प्याज, नेक्स्ट मेरे पास थोड़े से बीन्स पड़े हैं, मैंने थोड़े से बीन्स डाल दिए मुट्ठी भर इसमें। ओके, नेक्स्ट शिमला मिर्ची, इसको मैं थोड़ा कट कर लेती हूँ, ये डाल दीजिए मैंने इसमें शिमला मिर्ची, बस को थोड़ा शेक करके एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम गूंदेंगे आटा, ये रहा गेहूं का आटा और ये रहा जौ का आटा, इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नेक्स्ट इसके अंदर डालूंगी धनिया पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन। अब ये जितनी भी सब्जी हमने चॉप करी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से आटा गूंद लेंगे। नेक्स्ट इसको हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, बहुत अच्छा सा हम इसका डो बनाएंगे। हम इसको बेल लेते हैं, नीचे कपड़ा रख लेंगे। नेक्स्ट ओके, सो ये रहा हमारा मिक्स वेजिटेबल चपाती, किसी भी सब्जी के साथ या कर्ड के साथ आप ले सकते हो। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं बेक्ड एप्पल ओट्स। सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है 1/2 कप ऑफ मिल्क,
ये बेक्ड ओट्स हैं, कुक्ड ओट्स हम नहीं ले रहे हैं। इसके अंदर आप वनीला एक्सट्रैक्ट या फिर वनीला पाउडर जो भी आपके पास हो वो हम ऐड करेंगे। मेरे पास पाउडर है तो मैंने पाउडर डाल दिया। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा 2 चम्मच जितना हनी, अच्छे से सबको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारे रोल्ड ओट्स। ये रोल्ड ओट्स हैं, पिसे हुए नहीं है। एक कटोरी, ये पूरा वीक का हम बना के रख रहे हैं। नेक्स्ट इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा बेकिंग पाउडर, जस्ट हल्का सा। अगेन हम इसको मिक्स करेंगे। नेक्स्ट हमारी बेकिंग ट्रे, इसके अंदर हम नीचे लेयर लगाएंगे चॉप किए हुए एप्पल्स की। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारे ओट्स। नेक्स्ट इसके ऊपर हम डालेंगे एप्पल्स। परफेक्ट, और अब हम इसे करेंगे बेक। सो ये रहा मेरा प्री हीटेड ओवन, इसमें लगा देंगे। हम इसे बेक करेंगे फॉर 12 मिनट्स। परफेक्ट, यहाँ पर हमारे ओट्स बेक हो रहे हैं। तो ये रहे हमारे बेक्ड ओट्स, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, 1 वीक के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको खाना कैसे है वो मैं आपको भी बताती हूँ। हम यहाँ से ब्रेक करेंगे इसको, आप फ्रिज में इजीली स्टोर करके रख सकते हो फॉर एटलीस्ट 1 वीक के लिए। जिस दिन आप डिटॉक्स करो और जिस दिन आप सॉल्ट को हटाओ उस दिन के लिए दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट रेसिपी। इसके ऊपर हम डाल सकते हैं थोड़ा सा और हनी, एप्पल सिरप। परफेक्ट फॉर डिनर, ब्रेकफास्ट, एंड एक हफ्ते का बना के रखो एंड भाग भाग के ब्रेकफास्ट हम स्किप नहीं करेंगे एंड वी कैन हैव दिस। ओके, नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं हमारे सीड्स और दलिया की इडली। सो ये रहा मेरे पास, या तो मेरे पास यहाँ पे बार्ले का दलिया है या फिर मेरे पास ये सीड्स हैं। इन दोनों में से मैं कोई भी यूज़ कर सकती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीग्रेन दलिया आप ले सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी मिलेट्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है दलिया, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेरे पम्पकिन सीड्स मुट्ठी भर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेरे सनफ्लावर सीड्स, और अब हम इन सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हमको ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए, हम अच्छे से इसको छान लेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने ऐड किया है यहाँ पे सौंफ और इलायची का पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है एप्पल एंड पियर, एकदम ग्रेट करके ये मैंने इसके अंदर डाला एंड मिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हमारा मिल्क, दैट्स इट, आधा कप जितना मिल्क, ताकि ये ना थोड़ा सा ना अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाए, लूज कंसिस्टेंसी में। हमें ये थिक चाहिए बिल्कुल जैसे ये दिख रहा है, दैट्स इट। ओके, मैंने यहाँ पे इडली मेकर लिया है हमारा। मैंने इसके अंदर आधा कप दूध और डाल दिया है, एंड अब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से है। चलो अब हम बनाते हैं दस। Okay. Here we go. एक बारी हम इसे ट्राई करते हैं, पका है कि नहीं, कुक्ड। ओके, सो ये रहे हमारे, हम इसे स्टोर करेंगे इन हमारी फ्रूट्स इडली को फ्रिज में, और खाने से पहले आप इसे ओवन में माइक्रोवेव कर सकते हैं। 1 time में वी कैन ईट 2 to 4, एंड ये 1 week के लिए हम स्टोर करके ईजिली रख सकते हैं। एंड हियर वी गो, इट्स रेडी। सो ये रही हमारी फ्रूट्स और दलिया इडली रेडी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा हनी डालेंगे फॉर इट गुड टेस्ट।
वेलकम बैक जी। ये जो ब्रेकफास्ट की रेसिपीज हैं, ये सारी की सारी डिटॉक्स रेसिपीज हैं, आप अपनी डाइट में ऐड करो, लो। और पूरे दिन रेस्ट ऑफ द डे हमें क्या खाना है, आप पूरे दिन रेस्ट ऑफ द डे चिया पुडिंग खा सकते हो, सूप पी सकते हो, आप बॉइल्ड एग्स ले सकते हो, बॉइल्ड दाल ले सकते हो, आप स्प्राउट्स ले सकते हो, आप फ्रूट्स कैरी कर सकते हो, स्मूदीज ले सकते हो, बट आपको सॉल्ट नहीं लेना है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। दिस रेसिपीज डेफिनेटली गुड टू गो एंड डेफिनेटली ट्राई करना। एक दिन जीरो सॉल्ट करके देखो, पूरी बॉडी लाइट फील करती है, पूरी बॉडी हल्का फील करती है। फास्टिंग मैं अलाउ नहीं करती हूँ, बट यस डिटॉक्स डाइट और सॉल्ट फ्री डाइट मैं डेफिनेटली अलाउ करती हूँ। जितने जितने लोग मेरे पास है, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने मेरे पास मेंबर्स मेरे साथ एनरोल्ड हैं, उन सबको मैं पुट करती हूँ 14 दिन में एक बार डिटॉक्स डाइट पे या फिर सॉल्ट फ्री डाइट पे कहीं ना कहीं। एंड आई एम श्योर उन लोगों को रिजल्ट मिलता, तभी मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पोस्ट कर पाती हूँ, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आई एम श्योर आप लोग जो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, बहुत बहुत हेल्प करेगी। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, अपना खूब सारा अपने आप को प्यार करें। एंड या दैट्स इट, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।